C1 लेकर के एक विस्तार हो रहा है और ये जयपुर के लिए, टूरिज्म के लिए और जयपुर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए एक स्वर्णिम दिन है। उसके लिए माननीय अशोक जी गहलोत साहब को बहुत बधाई देते हैं और मैं जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण जयपुर के व्यापारी की ओर से राजस्थान की सरकार, माननीय गहलोत साहब को इस बात को लेकर बधाई देते हैं कि उन्होंने व्यापारियों की बात सुनी, जयपुर की जनता की बात सुनी और राजस्थान के टूरिस्ट की और पूरे विदेश के टूरिस्ट की बात सुनी कि बड़ी चौपड़ से और ट्रांसपोर्ट नगर तलक आपने मेट्रो के विस्तार के लिए जो है आज हरी झंडी दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चार दीवारी के अंदर दोपहिया चौपहिया वाहनों की वजह से इतना जाम रहता है कि व्यापारी चार दीवारी में नहीं आ पाता है। इससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ने वाला है कि ट्रांसपोर्ट नगर से और बड़ी चौपड़ तक आने के लिए या बड़ी चौपड़ से चांदपोल और आगे तलक जाने के लिए अब दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन कहीं दूर भी अगर वाहन पार्किंग करके आता है तो निश्चित तौर से टूरिज्म जयपुर शहर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगा और हमारा राज्य जयपुर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, इस बात का विश्वास है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से चार दीवारी की पहचान है, ट्रैफिक चल रहा है, आने वाला टूरिस्ट जयपुर नहीं पहुंच पाता, ये एक सबसे बड़ी सौगात है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दी है, बड़ी चौपड़ से लेके अपने ट्रांसपोर्ट नगर तक। उससे पहले जो अपने जो चांदपोल से लेकर जो बड़ी चौपड़ तक आ रहा था उससे भी काफी फर्क था। निश्चित तौर पर टूरिस्ट जयपुर के अंदर आएगा, यहाँ का कारोबार बढ़ेगा, यहाँ के सेल बढ़ेगी और जो व्यापारी यहाँ हैं वो खुश हैं। सुरेश सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जयपुर व्यापार महासंघ।